बॉलीवुड में हीरो नंबर वन के नाम से मशहूर गोविंदा हाल ही में कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहां सपना के किरदार से सबको हंसाने वाले कृष्णा अभिषेक परफॉर्म करने नहीं आए। तभी से दोनों के रिश्तों में अनबन को लेकर खबरें सामने आने लगी। इस संबंध में कृष्णा अभिषेक ने हाल ही में इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बीच कुछ मतभेद हैं और मैं नहीं चाहता कि मतभेदों की वजह से शो पर असर पड़े। कॉमेडी करने के लिए उनको सकारात्मक माहौल में काम करना पड़ता है। रिश्ते अच्छे होते हैं तभी हंसी आती है। साथ ही उन्होंने अनबन को लेकर पत्नियों को जिम्मेदार ठहराया। अब गोविंदा ने भी पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। गोविंदा को लेकर ई टाइम्स में छपे खबर के अनुसार इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक में बोलना सही नहीं लग रहा है, लेकिन सच बाहर आना चाहिए। मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि मेरे भांजे कृष्णा अभिषेक ने उस टीवी शो पर परफॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं वहां गेस्ट था। उसने हमारे रिश्ते पर भी बात की। उनके बयान में कई नाम खराब करने वाले और बेकार के कमेंट्स थे। कृष्णा अभिषेक ने कहा था कि जब उनके ट्विन्स रायान और कृषांग पैदा हुए तो उनके मामा उनसे मिलने नहीं आए थे। गोविंदा ने उनकी इस बात का भी जवाब दिया है। गोविंदा ने इस पर कहा, मैं अपने परिवार के साथ बच्चों को देखने के लिए अस्पताल गया था। मैं डॉक्टर और नर्सों से भी मिला। नर्स ने मुझे बताया कि कश्मीरा नहीं चाहती कि परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिले। जब हमने जिद की तो हमें बच्चों को दूर से ही देखने की इजाज़त दी गई और हम भरे दिल से घर लौट आए। शायद कृष्णा को यह बात पता भी नहीं होगी। बाद में वो अपने बच्चों और बहन आरती के साथ उनके घर पर भी आ चुके हैं। लगता है वो ये बताना भूल गए। गोविंदा ने आगे कहा, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा की तरफ से मीडिया में उन्हें बदनाम करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्हें ये सब करके क्या मिल रहा है। कृष्णा बचपन से ही मेरे करीब रहा है, लेकिन पब्लिक में ये सारी बातें आने से एक दूसरे को हमारे परिवार को बदनाम करने का मौका मिल रहा है। गोविंदा ने इस दौरान यह भी घोषणा की कि अब से उनसे मर्यादित दूरी रखना चाहता हूं, उनके लिए जो उन्हें नापसंद करता है। हर परिवार में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन मीडिया में ये सब बातें करने से इमेज खराब होती है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।